नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रिजित्वी। खबर दोपहर की खास पेशकश में आपका स्वागत है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में केंद्र का हलफनामा केंद्र ने माना। हुआ है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ। केंद्र ने कहा आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी है। पिछले दशक में 44 से 28% हो गए हैं आदिवासी। संथाल में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हो रहा तेजी से हस्तांतरण। केंद्र ने कहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। एसपीटी एक्ट के वायलेशन में राज्य सरकार शामिल है। केंद्र ने कहा लगभग 6000 गुना ईसाइयों की संख्या बढ़ी है। पलायन और धर्मांतरण बड़ा कारण आधार नागरिकता का आधार नहीं यूआईडीएआई ने कहा है। वही संथाल में एनआरसी लागू करने की जरूरत है। मामले में वन मैन जांच कमीशन का होगा गठन। 17 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए राज्य सरकार ने एफिडेविट फाइल करके बोला कि हमारे यहां घुसपैठ नहीं है, जीरो है। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहां के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है, साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। केंद्र सरकार ने कहा है कि 6748% इंक्रीज हुआ है क्रिश्चियन लोगों की संख्या, इतना गुना क्रिश्चियन की संख्या बढ़ गई है। देखिए, सबसे पहले तो आज जो केंद्र ने एफिडेविट दायर किया है तो उसमें केंद्र की तरफ से कहा गया है कि हाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। क्या कहते हैं, जनसंख्या घटी है 44 से 28% पे आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि राज्य सरकार ने एक इसमें स्वर में नकार दिया था और माननीय न्यायालय ने कहा भी था कि अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे। हम उसमें अपने अधिवक्ता से बात कर रहे हैं और अब उस क्या होगा ये आने वाले समय में हम लोग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।